हाय गाइस, माय नेम इज प्रदीप। तो वेलकम लाइफ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पे मैं बात करूंगा कि जब भी हम कोई रोडवेज ट्रेनिंग में जाते हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी में जाते हैं, तो जब हमसे जो है उल्टा एल या सीधा एल बनवाया जाता है, तो उसमें ज्यादातर बच्चे फेल क्यों होते हैं, क्यों उनसे नहीं बन पाता है, क्या कारण होते हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाद में घंटी को जरूर दबाए और पाए वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आज हम मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ, शायद अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपके जीवन में कभी भी ड्राइविंग टेस्ट कोई भी दें आप, तो आपके सामने कोई दुर्घटना या फिर कोई नाकामी आपको नहीं हो पाएगी। जब भी अगर आप कहीं भी जाओगे टेस्ट के लिए, तो आपके सामने कुछ भी इजी, बहुत इजी लगेगा, बहुत ही आपको बढ़िया लगेगा और ना ही आप कभी भी घबराओगे ना झिझकोगे। तो मेरी कुछ बातें हैं वो आप गौर करके सुनते रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि वीडियो को अभी से स्किप कर दोगे या बीच में छोड़ दोगे तो आप फुल बातों का मतलब नहीं समझ पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, जब तक ये वीडियो खत्म नहीं होती तब तक इस वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपको कोई काम है तो आप बाद में इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन बीच में वीडियो को न छोड़ें। तो सबसे पहली बात मैं आप यहाँ पे करता हूं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है। एक तो वो बात अलग होती है, किसी को ड्राइविंग न आए, किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, तो उसके लिए उल्टा एल क्या सीधा एल क्या, तो उसके लिए एक अलग बात होती है उसको बनाने के लिए। तो अब जिसको गाड़ी चलानी आती है वो भी ये काम नहीं कर पाता है, चाहे वो फुल ड्राइवर हो तब भी नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? देखिए, हम चाहे ये सोचते हैं कि हम डायरेक्टली एक बार फौज में भर्ती हो जाएं और हमारे अंदर फुल जोश है, फुल कॉन्फिडेंस है, फुल हमारे अंदर ताकत है, फुर्ती है, लेकिन हम एकदम से भर्ती नहीं हो सकते। हम रोजाना दौड़ करेंगे और धीरे धीरे दौड़ करते रहेंगे, तो 1 महीने का टाइम तो हमें जरूर मिलना चाहिए कि जिससे हमारा शरीर उस संतुलन में आ जाए और एक बढ़िया जो है एक्टिविटी हमारे अंदर आ जाए, कि हम ये कॉन्फिडेंस अंदर हो जाए कि हम अब दौड़ सकते हैं, चाहे कितनी ही तगड़ी दौड़ हो, चाहे कितनी बड़ी दौड़ हो, कि हम ये काम कर सकते हैं। जब तक आपके मन के अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैं ये काम कर सकता हूं, तब अब तक आप फेल हो। तो अक्सर होता क्या है कि गाड़ी तो दरअसल सबको आती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कितने लोगों ने एल बनाकर देखा है, सीधा या उल्टा। आपको कितने ही साल ड्राइविंग के हो गए होंगे, लेकिन कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की होगी कि आप किसी छोटी गाड़ी से या बड़ी गाड़ी से उल्टा एल बना दे या 8 का बना दे या फिर कुछ ऐसा गोल चक्कर बना दे। तो बहुत सी तरकीबें ऐसी होती हैं जिनको आसान बहुत है, लेकिन आप करते नहीं हो उन चीजों को। अगर आप ऐसा कोई टेस्ट देने जाता हो कि आपके लिए कोई सरकारी नौकरी हो या फिर रोडवेज में आप फॉर्म भर दिए, उसके आपके सामने ट्रेनिंग आ जाती है, तो वहां पे आपको यही चीजें करने के लिए मिलेगी। क्योंकि एक रोडवेज का ड्राइवर जो होता है वो एक फुल ड्राइवर होना चाहिए, जो कहीं पर भी मात न खाए। एक अब आप जानते हो कि रोडवेज की जो बसें कितनी स्पीड से चलती है, उनकी अगर हाई मोड हो जाता है तो किस तरीके से वो काटते हैं, किस तरीके से वो जो साइड क्रॉस करते हैं, किस तरीके से वो ओवरटेक करते हैं, ये आप तो भली बात ही जानते हैं, क्योंकि एक ना एक बार तो आप रोडवेज में जरूर बैठे होंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप रोडवेज में नहीं बैठे। तो किसी भी काम को करें तो उसको एक बार करके देख ले, चाहे कितनी फुल ड्राइवर हो उसके करके जरूर देख लेना, क्योंकि तभी आपको आदमी को अंदाजा होता है कि मैं कितना अपने अंदर हूं। अब मान लीजिए मुझे अखाड़े में खड़ा कर दिया जाए और मेरे अंदर फुल जान है, मुझे कोई दाव पेच नहीं आता, तो एक हल्का सा बंदा मुझे जो है चित करके चला जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये कुछ बातें होती है, कॉमन सी बातें होती है, इनको आप फॉलो कीजिए और कुछ जो है अपने अंदर बदलाव लाइए, अपनी सोच को बदलिए और घबराए बिल्कुल नहीं। कहीं भी जाओ ऑल इंडिया में, घबराना बिल्कुल नहीं कि मुझे ये गाड़ी दे दी अब ऐसे ऐसे कैसे करूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं घबराना है। बस सीधे करते रहिए, आपके सामने आपकी सफलता मिलती रहेगी। तो ये वीडियो थोड़ी सी इसलिए थी क्योंकि बहुत से ड्राइवर जो है इस जगह पे फेल हो जाते हैं कि हमें 8 का बनाना नहीं आता। एक बहुत बड़ा अपने मन में जो होता है ये सवाल होता है कि 8 का बनाना, उल्टा बनाना, सीधा बनाना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।